हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगी, एक्चुअली में मैं जब कहीं जाती हूँ तो बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज मुझसे आजकल ये क्वेश्चन पूछने लग गए हैं कि यार मैम ऐसी कोई इजी टिप्स बताओ जिनको फॉलो करना भी मुश्किल ना हो, और ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस बताओ जो हमारे लिए इजी हो, हम कर पाए, और साथ ही साथ इससे हमारी जो बॉडी है वो भी सुंदर हो पाए, फिट हो पाए। तो आपके साथ मैं आज वही टिप्स फॉलो करने वाली हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, और हमेशा उन टिप्स को ध्यान में रखकर ही मैं खुद को मेंटेन रखती हूँ। ज्यादा एक्सरसाइज करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है? अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि यार जब टिप्स ही बता रहे हो तो टिप्स ही रहने दो ना, एक्सरसाइज हमें क्यों करनी है। एक्चुअली में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप खुद को एक्टिव नहीं कर पाओगे, यानी फिजिकली अगर एक्टिव नहीं करोगे तो साइंटिफिकली अगर फैक्ट बताऊं तो अगर आप खुद को एक्टिव नहीं करते हो, यानी थोड़ा सा भी अगर कुछ आप कसरत नहीं करते हो, एक्सरसाइज फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते हैं। इससे आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, इससे आप ओवर ईट करते हो, ज़्यादा खाते हो, तो जो फैट है वो आपके बॉडी में जमता चला जाता है जाने अनजाने में ही, लेकिन ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है जिससे कि आप दिन भर खुश रहो, और उसी के साथ साथ एक्सरसाइज आपके बॉडी में जहाँ कहीं भी अगर थोड़ा सा भी फैट है। एक्चुअली में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पतले तो होते हैं लेकिन उनके किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको थोड़ा सा तो फैट दिख ही जाता है, तो एक्सरसाइज उस फैट को भी हटाने का काम करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली टिप से, जो कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है। तो नंबर वन ये कि जब भी खाना खाने बैठो तो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ खाने पर रखो, फोकस खाने पर होना चाहिए, मोबाइल पर नहीं, टीवी पे नहीं, या अगर किसी के साथ बैठे हो तो ऐसे नहीं बस बोले जा रहे हो और खाए जा रहे हो, पेट में आपका हाथ है और आपकी आंखें उस आदमी को, उस पर्सन को देख रही है, बात करने में आपका पूरा ध्यान है या मोबाइल में आपका ध्यान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी खाओ तो खाने पर ध्यान होना चाहिए कि आपने कितना खाया और उसे 32 बार चबा चबा के खाओ। प्लेट हमेशा छोटी लो, बड़ी प्लेट लोगे तो खाना बड़ी प्लेट में कम लगेगा और आप और लेने की आपकी इच्छा होगी, उसकी वजह अगर छोटी प्लेट लेते हो ओवर ईट से बच जाते हो। ये थी पहली टिप। चलिए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज, तो उसके लिए क्या करोगे, इस तरह से हाथों को खोल लो, पैरों को भी खोल लो। अब क्या करोगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी है। हाँ ये ईजी है, हम थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इससे हमारे स्टमक का जो ढीलापन है, पेट ढीला है वो भी जाएगा, आपके साइड बल्जेस जाएंगे, आपके चेस्ट का जो फैट है वो जाएगा। इसी के साथ साथ ये आर्म्स के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके बैक को भी हम अच्छी मूवमेंट दे रहे हैं, इससे आपकी पूरी बॉडी जो अपर बॉडी है वहाँ का फैट जाता है। और एक खास बात इस एक्सरसाइज की कि आपके अगर घुटनों में भी दर्द है या आपकी एज कुछ भी है, तो आप ये रीजन नहीं दे सकते हो कि हमारे घुटनों में दर्द है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो बस करते चले जाओ। अब ध्यान से सुनो, इसे कितनी बार करोगे, इसको कम से कम 100 बार करोगे, यानी 100 रेपिटेशन दोगे। लेकिन अगर ज्यादा इजी लग रही है और इफेक्टिव तो है ही, तो आप 200 तक भी इसे कर सकते हो इस तरह से। चलिए अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली टिप क्या है, तो अगली टिप में आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया में जाहिर सी बात है सुबह रोटी खाते हैं हम, नाश्ते में पराठे खा लेते हैं और रात को भी हम रोटी खाते हैं, और कहीं कहीं जगह तो रात को दाल बनती है और वो डेली बनती है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको अनाज कम लेना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, कार्ब्स कम लेने का मतलब ये है कि आप अगर ये बोले कि हम मिक्स में आटा लेते हैं, मिक्स आटे की रोटी बनाते हैं, नहीं, तो भी आपको रोटी की क्वांटिटी कम कर देनी है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, रोटी की क्वांटिटी कम कर देते हैं लेकिन उसके साथ दालें लेते हैं, पीली दाल ले लेंगे, भर भर के कटोरी खाएंगे कि हमने तो दाल खा रहे हैं और इससे वजन नहीं बढ़ता है। एक्चुअली में जो दालें होती है वो भी वक्त लगाती है पचने में, धीरे धीरे पचती है, इससे भी आपका मोटापा बढ़ता है। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, कार्ब्स को आप रिप्लेस करो फाइबर से। फाइबर किस में होता है, हरी सब्जियों में होता है, जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती है उसमें कार्ब सबसे ज्यादा होता है। तो कोशिश करो कि हरी हरी जो सब्जियां हैं वो बनाओ, और उसी के साथ साथ अगर सूखी सब्जी बनाते हो तो उसको रिप्लेस करके रस्से वाली सब्जी बनाओ, यानी झोल वाली सब्जी बनाओ। इससे आपका जो पेट है, अगर आप गीली सब्जी खाओगे, रस्से वाली सब्जी खाओगे,
तो इसका इससे आपका जो पेट है वो अगले दिन अच्छे से साफ होगा। तो ये जो टिप है वो भी आप अपना सकते हो। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज में क्या करोगे, साइड वाइज इस तरह से हो जाओ, ठीक है। चलो करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। उसके लिए क्या करोगे, इस तरह से इस तरह से आप देखोगे, इससे आपके हाथों की भी बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है और साथ ही साथ आपके जो पैरों का फैट है वो भी इस एक्सरसाइज से जाता है। इस तरह से, इस तरह से देख रहे हो कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसे ब्रीदिंग के साथ करोगे तो ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरह से। अब ध्यान से सुनो, इसको कितनी बार करोगे, तो इसको भी कम से कम 100 बार करोगे। तो लेकिन 100 बार आप इसे डिवाइड करके करोगे, क्योंकि आप बीच में थक जाओगे। तो इसके आप 5 सेट कंप्लीट करोगे और 20 रेपिटेशन दोगे, उसके बीच बीच में आप 5-5 10-10 सेकंड का गैप लोगे। चलिए अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली टिप क्या है, अगली टिप में हम कभी भी बाहर जाते हैं, शादी पार्टीज बहुत ज़्यादा होती है, आप फंक्शन अटेंड करते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर जो भी बनता है वो आप खाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आप जो भी उनमें खाएं वो आपकी बॉडी को ध्यान में रखकर खाइए, लिमिट में खाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बाद कुछ मिल रहा है तो हमें सब कुछ ही खा लेना है, नहीं। आपको अपना पेट हमेशा थोड़ा बहुत खाली रखना चाहिए, चाहे आप घर पर खाएं या आप बाहर खाएं, अपने पेट को पूरा कभी मत भरिए, थोड़ी सी उसमें जगह छोड़ दीजिए। इसीलिए अपनी क्वांटिटी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। उसके अलावा आप जब भी कोई हमें हम बाहर से कुछ मिठाई लाते हैं या बाहर से कोई भी चीज़ लाते हैं या हमें कोई दे जाता है मिठाई वगैरह, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट को देखकर बनाई जाती है, यानी मीठा भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही देखकर आपको आपके लिए बनाया जाता है, वो कभी भी आपके हेल्थ को नहीं देखते हैं। तो आपको एक चीज़ ये करनी है, पहली बात तो अगर आप बाहर की सब्जी वगैरह भी लाते हैं घर में तो भी इसे बंद कर दीजिए। बाहर का जो भी खाना है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो उसको रिप्लेस कर सकते हो आप, घर में बनाओ, अपने लिए जो भी बनाओ अपने हाथों से बनाओ, खुद बनाओ, क्वांटिटी आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग रखो। और साथ ही साथ इसे रिप्लेस किस तरह से कर सकते हो, मतलब कि अगर आपका मन कर रहा है पकौड़े खाने का, यानी आप बोल रहे हो कि बाहर से समोसा खाने के लिए मना कर दिया है तो घर पे समोसा बनाओ, नहीं, आप समोसे को भी रिप्लेस कर दो। पकौड़े खाने का मन है उसे भी रिप्लेस कर दो, किन से, आप पराठे बना सकते हो। पराठे बोले तो हरी हरी सब्जियों के पराठे, पालक के पराठे बना लो, या कोई भी जो भी पराठे बनते हैं उनमें कम तेल लगता है, बजाय जो भी हम फ्राइड आइटम खाते हैं, यानी समोसे और पकौड़े जो हो गए उनमें ज़्यादा तेल होता है, क्योंकि डीप फ्राई फूड है ये, तो उसमें ज़्यादा तेल लगता है, बजाय उसके कि अगर आप पराठे खा लें। तो अगर कंपैरिजन रिप्लेस करना सीखो, इससे आपका जो फैट है वो बढ़ेगा ही नहीं बॉडी में, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। चलो अगली एक्सरसाइज देखते हैं। क्या करोगे, इस तरह से अपने दोनों हाथों को इस तरह से करोगे, और क्या करोगे, इस तरह से पूरा जितना झुक सकते हो उतना झुको। एक हाथ आपके सर के इस तरह से ऊपर होना चाहिए और आपका साइड जो बैली है वो इस तरह से मुड़ना चाहिए। इस तरह से आप देखोगे कि जब आप ये करोगे ना, तो आपके जो साइड बैली है जो लटकी हुई है, सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज उसे श्रिंक करना चालू करेगी, यानी उसे टाइट करने का काम करेगी, और फिर धीरे धीरे जो साइड बल्जेस है उनका भी आपके फैट कम करने लगेगी, आपकी जो वेस्ट है कमर है वो पतली होने लगेगी, छोटी होने लगेगी, जो फूला हुआ पेट है वो कम होने लगेगा। अब इसको कितनी बार करोगे, तो इसके कम से कम आप 50 से 60 बार करोगे, और इसको डिवाइड कर सकते हो 10-10 के रेपिटेशन में, यानी एक सेट में 10 बार कर लिया, इसी तरह से अपने 6 सेट कंप्लीट कर लिए, तो इस तरह से करोगे। तो ये थी कुछ सिंपल सी टिप्स और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस। अगर इन्हें डेली फॉलो करते हो तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो ध्यान से मेरी जो ये टिप्स हैं वो भी आप अगर आपने सुनी है तो उनको फॉलो करो, और साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें भी करो।
पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।